नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में दो दलित बहनों के पेड़ से लटके शव मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में देकर एक माह के भीतर अभियुक्तों की सजा दिलाने का भरोसा भी पीड़ित परिवार को दिया गया है। लखीमपुर खीरी के निघासन में दो सगी बहनों को अगवा कर हत्या की वारदात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि हत्या के मामले को जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दोषियों को एक माह में सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले में पुख्ता साक्ष्य संकलन के साथ ही प्रभावी पैरवी का कड़ा निर्देश दिया है। गोरखपुर दौरे पर अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने देर शाम आला अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद बिना देरी किए पुलिस को मामले में एक्शन लेने की छूट दी। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रदेश की बेटियों के साथ हुई इस हृदय विदारक घटना को अंजाम देने वाला कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सभी को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री ने मृतक बेटियों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। लखीमपुर में दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या प्रकरण में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई, जिसके पैर में गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और उनकी गला कसकर हत्या की गई है। आरोपितों में 5 मुस्लिम हैं। देर शाम दोनों किशोरियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन ने बीते शुक्रवार को किशोरियों की मां के खाते में 16 लाख रुपए जमा करने के साथ ही पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। नौकरी एवं अन्य आर्थिक सहायता के लिए शासन को लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो फास्ट ट्रैक से फैसला लेते हैं और फास्ट ट्रैक से फैसला करने का आदेश देते हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।